और आगे बात करते हैं गंज बासौदा की, जहां गंज बासौदा से 26 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत दाऊद बासौदा के आदिवासी टपरों के ग्रामीण बीते 4 साल से एक तालाब का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। तालाब में मछली पल रही थी और मवेशी तालाब में डूबे रहते थे। लोग नहाने और कपड़ा धोने के लिए भी इसका उपयोग करते थे। यही पानी ग्रामीण पीने को मजबूर है। इस खबर को INS247 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम दाऊद बासौदा के आदिवासी टपरों पर पहुंची और पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए 24 घंटे के अंदर ट्यूबवेल लगाने की बात कही गई। वहीं ग्राम पंचायत से पानी का टैंकर भिजवाने के आदेश सरपंच को दिए गए, लेकिन 6 दिन बाद भी गांव में ट्यूबवेल नहीं लगा और पंचायत की ओर से केवल एक दिन पानी का टैंकर भिजवाया गया, उसके बाद टैंकर नहीं आया। अब खाली टैंकर शोपीस बनकर यहां पर रखा हुआ है। ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि उन्हें 2 ड्रम से ज्यादा पानी नहीं मिल रहा है, तो सरपंच भैया राम यादव भड़क उठे और कहा कि लाइट नहीं है तो मैं क्या लाइट बन जाऊं, इंजन बन जाऊं या मोटर बन जाऊं। रहने वाले हम लोग गरीब हैं, हमें चाहिए पानी, इधर हमें बोर चाहिए। हम बंदा को पानी पी रहे हैं, खराब पानी है उससे, देखो रोज रोज नहीं पी सकते, हम बहुत परेशान हैं। और जहाँ से वहाँ जाते हैं हम जिरिया पानी, तो बहुत हमें घटिया चढ़ना पड़ती, उल्टी सांस चला लगता, बताओ हम खर्चा पानी भरे पीने को भरे, हम बहुत परेशान। मंदरवारी बोर से पानी आने लगा और बहुत पानी भरा, बंद कर दो और आप भी बोल गए थे कि आपके पास नल लग जाएगा, जब तक व्यवस्था रह जा 2 दिन 4 दिन में लग जाएगा बोर, आपको जनरली हट जाएगी और हमारी पानी पर्याप्त हो जाएगा। आप ये बताओ ग्रामीण टैंकर मैं खुद भर रहा हूँ, परेशानी है, मैंने खुद भरा टैंकर, मैं कहाँ से भर दूँ, मैं बोर बन जाऊँ क्या, मैं इंजन बन जाऊँ, लाइट बन जाऊँ साहब, जब लाइट नहीं है ये कह रहा 2 ड्रम, चलो 2 ड्रम में मारा, 2 ड्रम पी रहा जी, ठीक है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनुज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे कि गांव में पानी की इतनी किल्लत है, लोग गंदे तालाब का पानी पीने को मजबूर हैं, और अब इस पर जब आदेश दिया गया कि लोगों को ट्यूबवेल से पानी पहुंचाया जाए, लोगों तक टैंकर पहुंचाया जाए, और अब इसमें सरपंच ये जवाब देते नजर आ रहे हैं कि मैं लाइट बन जाऊं, मैं इंजन बन जाऊं या फिर मैं मोटर बन जाऊं। जी बिल्कुल, ये दाऊद बासौदा का मामला है और यहाँ ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर थे। एक तालाब था और तालाब में रुका हुआ पानी ग्रामीण पी रहे थे। इस खबर को INS ने पहले भी उठाया था, तो आनंद फानंद में स्थानीय प्रशासन ने एक वैकल्पिक व्यवस्था की थी, वैकल्पिक व्यवस्था करके वहां आदेश भी दे दिया था कि बोरवेल लगाया जाएगा, लेकिन उस आदेश का अब अभी तक कुछ हल नहीं हो सका है। वहाँ बोर की मशीन फिट नहीं हो सकी है, वहाँ बोर का गड्ढा नहीं हुआ है और अभी भी ग्रामीण पानी के लिए परेशान हैं। मैं बता दूं आपको कि हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था है गांव में, वहाँ एक मंदिर है, मंदिर के ट्यूबवेल से वहाँ लोगों को पानी दिया जाता है, लेकिन तब जब लाइट रहती है, ग्रामीण क्षेत्र है, लाइट बिल्कुल आती है और जाती है, जब तक लाइट रहती है तो ग्रामीणों को 2 ड्रम ही मिलते हैं, बाकी लाइट बाकी पानी तो उन्हें तालाब में से भरना पड़ता है। ग्रामीण की यही शिकायत पर सरपंच मौके पर थे और सरपंच भड़क उठे कि ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं कि 2 ड्रम मिलता है। वास्तव में ग्रामीण बहुत परेशान है, गंदा पानी पीने को मजबूर है और स्थानीय प्रशासन जो आदेश दे के आया था कि हम बोर लगा देंगे, उसका तो हवा हवाई आदेश दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अनुज, लेकिन इससे एक बात और निकलकर सामने आती है, जिस तरह से आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र है और ऐसे में गांव में लाइट भी नहीं आती है, तो क्या मूलभूत सुविधाओं से पूरे ग्रामीण जूझते नजर आ रहे हैं और प्रशासन की टीम इन पर आखिर ध्यान क्यों नहीं दे रही, जब सरकार की ओर से इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं तो यहां तक कि ये योजनाएं क्यों नहीं पहुंच रही हैं, लोग इतना मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान क्यों हैं आज के दौर में भी। जी बिल्कुल, वो क्षेत्र एक नई बसाहट है और 4 साल से बसा हुआ है, आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल लोग यहाँ रहते हैं और अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि हाँ, कुछ हद तक उन्हें सुविधाएं तो हैं, उनके आवास भी बनने लगे हैं, लेकिन पानी उनके लिए गहरी समस्या बनी हुई है। लाइट भी आती है जाती है, लाइट की भी परमानेंट सुविधा उनके पास नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल अनुज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।